Welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta, and guys, today we are going to begin with the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. As always, guys, we'll be discussing a brief introduction to this act in this very lecture, and thereafter we'll be covering all the important sections pertaining to it. So, guys, this act came into force on 21st of December, 1956. And if I talk about preamble to this act, clearly bold that it is an act to amend and codify.

तो पुराने ओल्ड हिंदू लॉ में कुछ चेंजेस करे और हमारे पास कंटेप्रेरी हिंदू लॉ मॉडर्न हिंदू लॉ निकल के आता है इन द फॉर्म ऑफ हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट प्लस उसको कोडिफाई कर दिया कोडिफिकेशन इज नथिंग बट टू अरेंज सिस्टमैटिकली किसी भी चीज को सेक्शन वाइज सिस्टमैटिकली लगा देना को आप कोडिफिकेशन कहते हो सो सोज वट कि हमारा जो पुराना लॉ था वो ना ना तो यूनिफॉर्मिटी थी उसमें और ना ही वो कोडिफाइड था बहुत ही क्योर्स थी बहुत ही कन्फ्यूजन थी वी नो दैट देर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट अंडर हिंदू लॉ मिताक्षर तो so, हर एक स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के अलग अलग थॉट्स अलग अलग बिलीव्स होते हैं so, you know, जो ट्रेडिशनल हिंदू लॉ था जैसे उसके अंदर नहीं थी उस यूनिफॉर्मिटी को लेके आने के लिए प्लस कोडिफिकेशन के लिए हमने इस एक्ट को लेके आए सो आई होपिंग जो ये वाला हमारे पास लॉ निकल के आया इट इज अक्शन ऑफ दिनल हमारा ये वाला लॉ है आई होप का इस आपको समझ आ गया कि इस लॉ को अमेंड क्यों किया कोडिफाई क्यों किया यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए सो दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल हिंदूज अ लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट हम इस लॉ को लेके आए अब गाइज यू नो मूविंग टूवर्ड्स द वेरी पर्पज ऑफ अडोप्शन अगर हम यहाँ पे बात करें अडोप्शन एंड मेंटेनेंस की अडोप्शन का पर्पस क्या है वॉट डू थिंक एक पेरेंट क्यों अडोप्ट करता है ट्रेडिशनल हिंदू लॉ कहता है कि देर आर टू पर्पज कि एक इंसान अडॉप्ट करता है First uska rehta sacramental or religious purpose

बच्चे को अडॉप्ट कर लेता ड्यूरिंग हिज यूथ आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सेकंड पर्पस वो रहता है सेक्युलर पर्पस सेक्युलर पर्पस में हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल टू ओन नेम एंड फेम और टू सिक्योर वंस ओल्ड एज अपनी ओल्ड एज को सिक्योर करने के लिए आप अपने यूथ में एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हो या फिर गाइज यू नो टू प्रिजर्व कंटिन्यूएंस ऑफ वंस लिनिएज आपका कुल आपका वंश चलता रहे ज है वो चलती रहे उसके परपेक्चुएशन के लिए उसके कंटिन्यूएंस के लिए भी आप अडॉप्ट कर लेते हो ताकि वो लाइन ब्रेक ना हो मोरवर गाइज डाइंग सैटिस्फेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इू योर प्रोपर्टी फॉर एक्साम्पल यू आर एन ऑनर ऑफ अपर्टी बट आफ्टर यू डाई उस प्रॉपर्टी का कौन ध्यान रखेगा वो किसके हाथों में जाएगी उस चीज को भी प्रिजर्व करने के लिए एंड यू आर डाइंग इन सैटिस्फेक्शन दट है समबड टू टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी क्वाइट वेल तो उसके लिए भी एक इंसान अपने यूथ में अडॉप्ट कर लेता है so guys, हर एक इंसान का डिफरेंट एक पर्पज है डिफरेंट एम है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है कि वो अडॉप्ट क्यों करते हैं बट ओल्ड हिंदू लॉ जो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के पहले था उसका यही कहना है कि प्राइमार इन ही दो पर्पेज के लिए लोग अडॉप्ट करते हैं विच इज सेक्रामेंटल एंड सेक्यूलर आई होप गंग सो so गाइज हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंटेम्प्रेरी जो मॉडर्न हिंदू लॉ है और फॉर दैट मैटर जो हमारा ओल्ड हिंदू लॉ भी था उसमें जो अडोपशन की जाती थी इट इज़ यू नो फॉर फर्दरेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फर्दरेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है गाइज यहाँ पे अपने पास दो इंडिविजुअल्स हैं एक है आपका चाइल्ड और एक है आपका पेरेंट पेरेंट इन देंस चाइल्डलेस पेरेंट एक बच्चे को एक पेरेंट मिल जाएगा एक घर मिल जाएगा रहने के लिए जो इंसान जो बच्चा डेस्टिट्यूट है बहुत ही पुअर है ऑफन है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, उस बच्चे को एक घर मिल जाएगा और एक पेरेंट मिल जाएगा रहने के लिए अगर अडोप्शन होती है और एक पेरेंटलेस चाइल्ड को एक चाइल्ड मिल जाएगा तो दीज आर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हैं और उसके फर्दरस उसको पूरा करते हुए लोग अडोप्शन करते हैं सो वी कैन से दैट द अल्टीमेट एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ अडोप्शन इज टू प्रोवाइड रिलीफ एंड कंसोलेशन टू पेरेंटलेस चाइल्ड एंड टू रेस्क्यू अ चाइल्ड हु इज़ हेल्पलेस हुफन और अबांडेंट ताकि उसको एक होम और एक पेरेंट मिल जाए आई होप दिस थिंग इज कॉट क्लियर टू यू फर्दरेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज वर्ड इम्पोर्टेंट तो हमने इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सिर्फ ये देखा कि इसका प्रियम्बल क्या कहता है कैसे ओल्ड ट्रेडिशनल हिंदू लॉ से हमारे पास कंटेम्प्रेरी मॉडर्न हिंदू लॉ आया वो क्या कहता है वॉट इज द पर्पज ऑफ अडोप्शन एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज